पेरेंट्स को रिश्ता लेने के लिए भेजो। कौन है? मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, उसका रिश्ता मांगने जाना है। और वो राजी भी है आपसे बेरोजगार से शादी करने? ऐसे मोहब्बत कहते हैं? बहुत अच्छा लगा मुझे पार्क में जाना। आज से पहले तो तुम कभी इस तरह के उलिये में नहीं निकली। आज बदल चुका आपा। मेरी जान, ठीक से खाना खाओ ना। ठीक से खा रहा हूँ पप्पू। कहाँ ठीक से खा रहे हो? मैरन हिस्सा देख रही हो? इसके खाने पीने का ख्याल रखा करो भाई, ये कुछ खाता ही नहीं है। बच्चा तो नहीं है, जितनी भूख होगी उतना खा लेगा। ठीक कह रही हैं, मैं बच्चा नहीं रहा, लेकिन आप आज जरूर बच्ची बनी हुई थी। क्या मतलब? मॉल में देखा था मैंने आपको, कौन आइसक्रीम खा रही थी आप। ओ हाँ, बहुत मजा आया। बहुत अरसा पहले बचपन में मैंने ऐसे खाई थी। और मैं जो शहर के सामने शर्मिंदा हो रहा था वो? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है माँ? आपका एक स्टेटस है, एक इमेज है। हमने हमेशा आपको सोबर संजीदा देखा, आप ये सब सूट नहीं करता। अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या सूट करता है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, अपने एग्जाम्स पे तवज्जो दो। और शहर से मिलने और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? क्या हो गया ऐसे? बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा, ये शर्मिंदगी हुई होगी तुम्हें शहर के सामने। ठीक है बेटे, तुम दिल बुरा नहीं करो, ये ठीक हो जाएगी। कब ठीक होंगी? बाबा को गुजरे हुए चंद माह हुए अभी, और माँ तो चल खाना खाओ ना, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। खा रहा हूं। शाबाश, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पहले कभी इस पार्क में नहीं देखा, इस इलाके में नहीं आई हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इस वक्त पार्क में आने वाली तमाम ख्वातीन को जानता हूँ मैं, आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने अभी वॉक शुरू की है कुछ दिन पहले। गुड, अच्छी बात है, वॉक करनी चाहिए। आप यंग भी हैं, स्मार्ट भी हैं, वॉक के फवायद आपको फ्यूचर में पता चलेंगे। आपको मैं यंग दिख रही हूँ? बिल्कुल, इस वक्त तो पार्क में वो अजीब बुजुर्ग टाइप औरतें आती हैं, अजीब ब्लड प्रेशर और शुगर की पेशेंट। एक दो लड़कियाँ भी आती हैं लेकिन फोने बात कर रही होती हैं। अरे वैसे मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ और टेनिस कोच भी। टेनिस? टेनिस का तो मुझे भी बहुत शौक है। लग रही थी आप स्पोर्टी, अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं माहिर जहांगीर, बनना तो मैं टेनिस का बहुत बड़ा प्लेयर चाहता था, लेकिन आप जानती हैं हमारे मुल्क में क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस कहाँ दी जाती है। तो अब्बा ने बोला एमबीए कर लो, इसलिए एमबीए कर लिया।
आप? मैं मिसेज हिदायतुल्ला, सिर्फ एक हाउसवाइफ। अच्छा, आपका भी अपना कोई नाम होगा? मेरा नाम मेहरुन्निसा। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम भी मेहरुन्निसा था। उसको सब मेहरू मेहरू कहते थे। आई एम श्योर आपको भी मेहरू कहते होंगे। कहते थे पर अब कोई नहीं कहता। अरे क्यों? सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया। मुझे आदत है, ज्यादा बातें करता हूँ। आप अपने माइंड तो नहीं किया ना? इट्स ओके, चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? घर। मुझे लगा आप नाराज हो गई। चले ठीक है, ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं? ठीक हैं, थोड़ी सी बदल सी गई हैं। जिंदगी बदल गई है उनकी, तो ऑब्वियसली कुछ चेंज तो आएगा ही। पहले अंकल का साया था उन पे, अब जब उनका साया हटा है तो तुम लोगों को असल शक्ल नजर आ रही है। तुम ठीक कह रहे हो, हमने माँ को सिर्फ बाबा की नज़र से देखा था। अब बाबा को अलग करके माँ को देखो तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर मुझे अच्छा लगता है। वो बहुत लाइवली सी हो गई है, उनका टेस्ट बदल गया है, कपड़ों की चॉइस बदल गई है, सब। खैर तुम बताओ, ऑफिस कैसा जा रहा है? कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही? अभी तक तो ठीक ही जा रहा है। मुझे ये बताओ कि आंटी ऑफिस आएंगी या नहीं? आई डोंट नो, आ भी गई तो क्या करेंगी? माँ तो नहीं ऑफिस हैंडल कर सकती, अब तो तुम्हें ही हैंडल करना होगा। हाँ लेकिन मिनाल, एक्चुअली ये बिजनेस बहुत बड़ी अमानत है मेरे लिए, और अमानत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आई होप तुम समझ सकती हो इस बात को। तुम काबिल हो, इसलिए माँ ने तुम्हें ये जिम्मेदारी दी है। रिलैक्स करके काम करो। परेशान क्यों हो रहे हो? खैर और सुनाओ, फुप्पो हैं या चली गई? तुम्हें भी माँ की तरह फुप्पो पसंद नहीं है ना? काफी इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग तो है, मगर क्या करें, फुप्पो है मेरी, और फिलहाल तो उनका कोई प्लान नहीं है वापस जाने का। कहीं जा रही हो क्या? जी। वो इतवार को जाज़बा की मेहंदी है। कौन जाज़बा? वाह भाई, अब तो आप मेरे बहन भाइयों को भी भूल गए। कभी कोशिश ही नहीं की आपने उनको याद करने की। बताया तो था मैंने आपको। क्या हो गया आपको? दिमाग में सौ चीजें होती हैं, लातादात फिक्रें होती हैं, ऐसे में अगर जाज़बा को मैं भूल गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जाज़बा मेरी भांजी हो, इतवार को उसकी मेहंदी है और हम सबको जाना है। इतवार को मेहंदी? मैं मेहंदी में क्या करूंगा, जाके आप और बच्चियां चली जाएगा। अरे बताया तो मैंने आपको कि सबको बुलाया उन्होंने, और आप नहीं गए तो अतिया को बहुत बुरा लगेगा। मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकेंगे, क्या मसला है?
लुकमान भाई से तो दोस्ती है आपकी बहुत। मैं मेहंदी में नहीं जा रहा, मैं बारात में चले जाऊंगा ना। बात क्या है? बस हूँ कहीं मसरूफ में। मसरूफ है? कहाँ मसरूफ है? जाना है मुझे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए। कौन से दोस्त से मिलने जाना है? मतलब है, आप नहीं जानती उन्हें, हर चीज के पीछे ना पड़ा करें। जी बेटा। कुछ नहीं, बाद में आता हूँ। हेलो मिसेस नायकल्ला, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक। मिस्टर हदायत की वफ़ात के बाद पहली दफ़ा किटी पार्टी आए हैं। अच्छा किया। बस घर बैठे बोर हो गई थी, मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूँ। काफ़ी बदल गई हैं आप, योर हेयर स्टाइल, योर मेकअप, योर ड्रेस। थैंक यू। सॉरी टू सी मिसेस हदायत, लेकिन मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है। अफसा याद है मिसेस फारूक? मिस्टर फारूक की डेथ के बाद कैसे बदल गई थी, ज्वेलरी, मेकअप, कपड़े सब छोड़ दिया था उन्होंने। यहाँ तो कुछ उलट ही हो गया है। नहीं नहीं, ये तो मिस्टर हिदायत की डेथ के बाद और यंग होकर आ गई हैं। मुझे कहीं जाना है, चलती हूँ। अरे रुको, मैं रुनिसा डिनर करके जाना। नो थैंक्स। देखा नहीं तुमने इसको, यूं तैयार होके आई है जैसे दीवानी हुई। नहीं नहीं, शादी हुई है इसकी। सही कह रही हो मेरी जान, इसी को तो कहते हैं बुढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। सुना है दाई साहब काफी प्रॉपर्टीज के नाम करके मरे हैं। भाई अपने अपने शौहरों को बचाना, इससे लगती नहीं है जवान बच्चों की माँ, किसी का भी दिल आ सकता है इस पर। यूं तैयार होके आई है जैसे दीवानी हुई। नहीं नहीं, शादी हुई है इसकी। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। वॉक नहीं कर रही? बस यूं ही। अपसेट है आप? तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे से। आप अगर कुछ शेयर करना चाहती हैं कर सकती हैं। इंसान दूसरे इंसान को खुश क्यों नहीं देख सकता? उसे बुरा फील करवा के, उसे नीचा दिखा के क्या मिल जाता है लोगों को? अरे तो आप दूसरे लोगों की टेंशन क्यों लेती हैं? वही करें जो आपको सही लगता है। कम से कम भाई मैं तो वही करता हूँ। तुम्हें लोगों की बातें परेशान नहीं करती? मेहरू, मैं अगर लोगों की बातें परेशान होने लगता ना तो बचपन में अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाता। क्या बताएं आपको भाई, मुझे बैड फील कराने वाले और नीचा दिखाने वाले इतने लोग हैं ना कि मेरी 10 उंगलियों में पूरे नहीं आते, और सारे मेरे अपने। अच्छा भाई, आपकी आपकी नंद ने कुछ कह दिया होगा या आपके शौहर ने कुछ कह दिया होगा, है ना? मेरे मेरी माँ का शौहर, मेरे बाप की बीवी, बाप की बेटियाँ। क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरे यार हमारे मामला थोड़े से बहुत अजीब है भाई, क्या बताऊँ मैं आपका। क्या हिदायत साहब ने कुछ कहा आपको? उनका इंतकाल हो गया 6 माह पहले। आई एम सॉरी। और दुनिया कहती है मैं क्यों नहीं साथ मर गई, मैं क्यों जिंदा हूँ? अरे आप क्यों मरेंगे भाई, मरे आपके दुश्मन। अपने लिए जिएंगी तो दूसरों के लिए जी सकेंगी ना, सिंपल। अच्छी बातें कर लेते हो। थैंक यू, सब यही कहते हैं। मेरू मेरे लिए दुआ करिएगा। किस बात की दुआ? टंडे को एक खास काम से जा रहा हूँ, बस पूरा हो जाए। जॉब इंटरव्यू? रिश्ता इंटरव्यू। ओह।
वो तो तुम कामयाब हो जाओगे। इतने प्यारे लड़के को कोई लड़की इनकार कर ही नहीं सकती। मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है तो लाजमी बताऊंगा। मैं चलता हूँ, अब मैं तो वॉक कर लिया। आपने साइड नहीं होना, खुश रहना है। और एक और बात, अगर कोई आपको तंग करे ना, आपने उसे डबल तंग करना है। ओके चलें, चलता हूँ मैं, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। लॉक है। ओके, बता था। सब कहाँ हैं? सब शॉपिंग पे गए हुए। सब गए हुए? जी सब। आपदा, मेरा प्लीज एक काम कर दोगे तुम? मेरे पास क्रेडिट नहीं है, मेरे लिए जाके दुकान से काट लिया हो ये लो। मगर माहिर भाई, मुझे बहुत काम है। अरे यार, क्या काम है? ये लो, ये कुछ अपने लिए कुछ सामान वामान ले लेना, 5 मिनट लगेंगे, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू कहाँ हैं आप? हाँ, वो 4 बजे का टाइम था अबू। वो नरमीन की अम्मी थोड़ा वक्त की पाबंद है, बस अबू प्लीज़ कोशिश करिएगा आप थोड़ा जल्दी आ जाए। ठीक है अबू, थैंक यू। ओके मैम। ओके माहिर भाई, आपका कार्ड। हाँ, वो मेरे पास बैलेंस था इसलिए मैं सोचा कॉल कर लूँ। थैंक यू, जाओ काम करो। जी। मैं तो तैयार हूँ यार, गंदी शर्ट नहीं है मेरे पास। माँ बाँ माँ बाँ, आपसे बात करनी है। हाँ? शादी करनी है मुझे। ओ, तो मेरा भाई बड़ा हो गया। सीरियस हूँ मैं। सॉरी। अगर अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स बाकी हैं, अभी से? माँ, ओ सहचारी की बात पक्की हो जाए शादी एग्जाम्स के बाद। सहर, वो जो तुम्हारी क्लास फेलो है, घर भी आई थी। मैं उन लोगों को नहीं जानती, कौन है, फैमिली कैसी है। सहर की बात हो रही है? बड़ी प्यारी लड़की है माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत पसंद है। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो बहुत प्यारी है, लेकिन फैमिली का जानना तो ज़रूरी है ना आपा, फैमिली मैटर करती है। अरे भाई, जब लड़का लड़की राजी है तो तुम क्यों मिमिक निकाल रही हो? अब देखो, जमाना बदल चुका है, अब बच्चे अपने फैसले खुद करते हैं, और मजहब भी यही सिखाता है, असल बात होती है लड़का लड़की की रजामंदी। इस बात से तो इनकार नहीं कर रही मैं, इतना तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सहर की फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। मैं चाहती हूँ अफान के एग्जाम्स ख़त्म हो जाएँ, पढ़ाई मुकम्मल हो इसकी, फिर आराम से सब मामला तय कर लेंगे हम। मैं जानता हूँ उन लोगों को बस काफ़ी है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, और अगर आप मेरी बात पक्की कर देंगी ना तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छी कर लूँगा। आराम से बात करो अफान। अरे कैसे आराम से बात करे, देख नहीं रही हो? तुम्हारी माँ पता नहीं किन सोचों में पड़ गई है। बच्चे की खुशी अजीज है कि नहीं? खुशी अजीज है मुझे, उसका सुकून भी अजीज है मुझे। गलत रिश्ते जोड़ने से खुशी और सुकून दोनों गारत हो जाते हैं। माँ क्यों इतना ज़्यादा सोच रही हैं आप? मैं कह रहा हूँ ना, बहुत अच्छे लोग हैं वो।
शहर की अम्मी को बस जल्दी है। बेटा जाने, तुम्हारी माँ जाने वाली नहीं है, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ शहर की तरफ। सारा सब्र कर जाओ, एग्जाम तो दे लो, माँ और मैं भी चलेंगे तुम्हारे साथ। क्यों सब्र कर लूँ मैं, मुझे भी रिश्ता लेके जाना है। ठीक है पप्पू, आप चलना मेरे साथ। ठीक है, कल शहर की अम्मी से टाइम ले लो। सच कह रही हैं आप? हाँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हो सकता है गजल आंटी ना मंगनिया कहें, आप प्लीज मान जाना। और शादी हम एग्जाम के बाद कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बस मंगनी हो जाए। पागल हो गए हो क्या? शट अप। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू पप्पू। हाय, बहुत थक गए। आप द प्लीज जरा चाय बना दो। है क्या हो गया तुम्हें? चाय बना दो, चाय भाई को छोड़ो। तुम जाओ और ये सारा सामान अलमारी में रख दो, मनुस आ गया ना तो उसकी नजर तो भाई बड़ी खराब है, जाओ। शामी भाटी जी, इस मनुस की आप बात कर रही हैं? माहिर भाई आए थे और चले भी गए। माहिर आया था, क्यों, क्या कर रहा था वो? मुझे तो उन्होंने कार्ड लेने भेजा था, जब मैं वापस आई तो बड़े साहब से फोन पे बात कर रहे थे। क्या कह रहा था? यही कि नरमीन के घर जाना है, जल्दी आए, अम्मी भी वहीं पहुंच जाएंगी। फिर बड़े साहब आए और माहिर भाई तैयार होके उनके साथ चले गए। मुझे तो पहली शक था इनका नरमीन भाई से कोई चक्कर है। पिक्चर सेफ थी इनके फोन पे, जब मैंने पूछा तो कहने लगे मुझे तो जहर लगती है। तुम कैसे जानती हो उसको? मेरी दोस्त है ना, उसकी बड़ी बहन है। मुझे तो पक्का यकीन है लोग रिश्ते के लिए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ ये सब चल रहा है? मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर जहांगीर साहब अपने बेटे का रिश्ता तय कर रहे हैं। अरे मुझे वो लड़का एक आंख नहीं पाता, अब उसकी बीवी को बर्दाश्त करूंगी? हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करेंगे आप, अब्बू माहिर भाई का खुद रिश्ता तय करने गए, आप क्या कर सकती हैं? आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो आपके और अब्बू की लड़ाई हो जाएगी। नरमीन को मेकअप से अच्छा सही लग रहा हूँ? परफेक्ट लग रहा है। चल चल, बात बात हो जाए ना, उसके बाद आराम से बैठ दीजिएगा, ठीक है ना? अम्मी अम्मी, ए, क्या हो गया? अम्मी आपके कंगन का डब्बा गायब है। ये जरूर उस आवारा का ही काम है, ये वो ही लेकर गया है, बता रही हूँ मैं। वहां सुनो, तुम उस लड़की का घर जानती हो ना? जी जानती हूँ। पक्का? चलो आओ जल्दी करो, चलो आओ जल्दी करो, चलो आने जाने का रिक्शा करते हैं, आके करेंगे, जल्दी आओ। अरे तुम ख्याल रखना, जल्दी आओ, देख छोड़ूंगी नहीं, कमबख्त। माहिर की जॉब नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी उनकी जॉब भी। अब ऐसा भी नहीं है कि फारिग रहते हैं, पार्ट टाइम कुछ ना कुछ कर लेते हैं, अपना खर्चा निकाल लेते हैं, खुद ही हमसे नहीं मांगते। जी, और जब दो लोग मिलते हैं तो अल्लाह दोनों के नसीब से जिसमें बरकत डाल देते हैं। लेकिन नरमीन के लिए बहुत से रिश्ते आए हुए हैं और हर माँ की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि अपनी बेटी के लिए बेहतरीन इंतखाब करूँ, लेकिन बच्चों की पसंद को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। एक लड़का तो इसके साथ ही काम करता है, जमान नाम है उसका, बहुत ही अच्छा बच्चा है और नहायत ही पढ़ी लिखी और सुलझी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वालदैन भी बहुत नफीस हैं, बड़ी चाह से रिश्ता मांग रहे हैं वो नरमीन का। और लेकिन आप लोगों की फैमिली तो साथ भी नहीं रहती, और फिर माहिर के पास कोई जॉब भी नहीं है ना? देखिए, मैं और माहिर की वालदा माहिर से बहुत प्यार करते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन
हम ने कभी एहसास नहीं होने दिया माहिर को इस बात का। अच्छे से परवरिश की है, आला स्कूल में तालीम दिलवाई है इसे, और जहां तक जॉब का ताल्लुक है तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी। आजकल मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं। मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। सोचो तो वहां जाता है जहां बच्चों को राजी करना हो, और हमारे दोनों बच्चे तो रजामंद हैं, तो देर किस बात की, बस आप हाँ करें और हम आज रस्म करके घर जाते हैं। लेकिन मैं इतनी जल्दी तो फैसला नहीं कर सकती। हमारे लिए बार बार आना मुश्किल हो जाएगा, वैसे भी मैं 2 माह के लिए मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मेरा भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं भी बिजी हो जाऊँगा फिर। वो सब ठीक है भाई साहब, लेकिन ये तो हथेली पे सरसों जमाने वाली बात हो गई। बेटा जाने, तुम्हारी माँ जाने वाली नहीं है। ठीक है फूफू, आप चलना मेरे साथ। ठीक है, कल सहर की अम्मी से टाइम ले लो। माँ, क्या सोचा आपने? अफान बहुत जज्बाती और जल्दबाज है, और वो लड़की सहर, वो तो बहुत तेज और होशियार सी लगी मुझे। खैर, मेरा इंटरेक्शन भी कम हुआ है, हो सकता है मेरा अंदाज़ा गलत हो और जैसा मैं सोच रही हूँ वैसी ना हो। आपका अंदाज़ा गलत नहीं है, वो वाकई बहुत तेज़ लड़की है। मुझे तो फूफू की समझ नहीं आ रही, वो क्यों इतनी अफान की साइड ले रही हैं, बजाय उसे समझाने के वो उसे मज़ीद उकसा रही हैं। मोहब्बत दिखा रही हैं। दूसरे के बच्चे के लिए मोहब्बत दिखाना बहुत आसान होता है, उसके मसाइल को सुलझाना बिल्कुल आसान नहीं होता। तो फिर आप क्या करेंगी माँ? क्या कर सकती हूँ मैं मिनाल? वही करूँगी जो अफान चाह रहा है। बहुत अजीज़ है मुझे, उसकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, इसलिए कल आ जाना, ज़मीर को भी ले आना प्लीज़। जी माँ, मैं आ जाऊँगी। ज़मीर तो बिज़ी होता है, शायद वो नहीं आ सके। चलो देख लेना, कोशिश करना। भाई यहाँ से उल्टा ले लें। तुम्हें घर सही से याद भी है कि नहीं? अम्मी एक ही बार आई थी, ज्यादा ठीक से याद नहीं है। छोड़ूंगी नहीं इस कमबख्त वाले। आप लोग तो मुझे बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं दे रहे। देखिए, हम दोनों ने आपको अपनी मजबूरी तो बता दी है, अगर आप मुनासिब समझें तो हमारी रिक्वेस्ट भी जरा गौर कर लें। अच्छा चलिए, सही है, जैसे आपकी मर्जी। में मुझे भी नरमीन की खुशी बहुत अजीज है। फिर बुलाइए हमारी बेटी को। जी जी बिल्कुल। नरमीन, नरमीन बेटा। अरे वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी। आओ बेटा मेरे पास बैठो। आज से तुम मेरी बेटी हो, हाथ आगे करो। मुझे मेरा जेवर चोरी करकर रिश्ता तय किया जा रहा है। और तुम्हें जरा शर्म ना आई अपने बेटे का चोरी मिसाल देते हुए? कौन सी चोरी, कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की, ये वापस करें, और ये आपके नहीं मेरी दादी के हैं, इसमें मेरा हक है। अरे दर्दो, आवाज बंद करो अपनी, बड़े आए दादी के कंगन वाले। मेरी दादी की सारी जिंदगी खिदमत मैंने की, बुढ़ापे में उन्हें मैंने संभाला, अब तुम और तुम्हारी माँ आ गए, उन्हें
उनकी चीजों पर अपना हक जमाने के लिए? तुम्हें इतना ही शौक था ना इस जॉन लफंगे की शादी का, तो अपने पल्ले से करती ना। अरे तुम क्या दोगे अपने पल्ले से? तुम तो इसे हमारे दर पर फेंक कर अपने आशिक के साथ भाग गई थी। दीदा बहुत हो गई, चलिए आप यहाँ से आइए। अरे छोड़े मुझे, बोलने दें, बोलूंगी मैं, बताऊंगी सबको कि ये लड़का क्या है और इसका किरदार क्या है। बहन आप तो बाल बाल बच गई हैं। ये एक नंबर का लफंगा बदमाश और आवारा लड़का है। मैं भी बेटी वाली हूँ, किसी की बेटी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। अरे अब बहुत हो गया, चलिए। अरे छोड़े मुझे आप, अरे छोड़े मुझे, बड़े आए, अरे छोड़े मुझे, चलो आओ मधिया। अरे मधिया करें, आओ जल्दी। अधीरा आंटी इनकी बातों में मत आएगा, झूठ बोल के गई है सौतेली माँ, मेरी बकवास करी, कोई चोरी वोरी नहीं की मैंने। सॉरी प्लीज, आप लोग भी यहाँ से जा सकते हैं। आंटी आप मेरा यकीन क्यों नहीं करी, नरमीन बताओ ना। माहिर ये तुमने क्या कर डाला? कम से कम आपको माहिर की तो मेरी इज्जत का ख्याल करना था। क्यों क्यों करती मैं आपकी इज्जत का ख्याल? आप अपनी साबका बीवी और अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे धोखा दें, मेरे जेवर चोरी करें और मैं आपकी इज्जत का ख्याल करूं? वाह भाई वाह। अरे आप मेरी यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, न उसने कंगन के बारे में मुझे कुछ बताया। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। खुदा के वास्ते मेरा यकीन करें, मैं ऐसी सॉरी, मुझे अपनी बच्ची का रिश्ता आप जैसे लोगों में नहीं करना। जा सकते हैं आप लोग भी यहां से। अम्मी 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 मेरी बात सुने, देखिए अम्मी अम्मी मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने। मैं उस टाइम पे बस यही होना बाकी रह गया था, तुम्हारे हाथों दुनिया के सामने रुस्वा हो जाऊं। सो कर लिया ना, खुश होगे तुम? मेरी बात समझे, मेरी कोई गलती नहीं है। बस कोसती हूँ दिन जिसने मैं तुम्हें पैदा किया था, काश मैं तुम्हारी माँ ना होती। तुम तीनों ने मिलकर ये प्लानिंग की है, मुझे धोखा दिया। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि अब तक तुम उस आवारा और धोखेबाज औरत के इश्क में गिरफ्तार हो जो तुम्हें दूसरे मर्द के लिए छोड़कर चली गई। आज तक उसके साथ रابطे में हो और उसके साथ मिलकर अपने बेटे का रिश्ता तय करा रहे हो। मैं बेवकूफ औरत आज तक तुम्हारा घर, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी इज्जत संभाल कर बैठी हूँ। अरे आप गाड़ी में बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर माहिर के रिश्ते के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया, उस चुड़ैल को साथ लेकर क्यों गए, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? वो अपनी माँ को लाना चाह रहा था साथ और बस। देखा, उस बसात ने कभी मुझे अपनी माँ समझा ही नहीं। अगर मुझे अपनी माँ समझता तो फिर मेरे कमरे से जेवर क्यों चुराता? बस मैंने कह दिया जहांगीर, अब मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। अदीदा आप सब कुछ जानते हुए भी? देखें जहांगीर, अगर वो आया तो मैं अपनी बच्चियों को लेकर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपना घर छोड़ के क्यों जाऊं? जाएंगे आप दोनों बाप बेटे, समझे आप? और अब अगर उसने मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैं अपने घर के दरवाजे कभी नहीं खोलूंगी उसके लिए। वो दीवार फैलांग कर आया ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी, सुन लिया आपने? चुप करो, जल्दी आओ। बात तो सुने। नहीं सुनने मुझे आपकी कोई बात, आप जल्दी आओ। आप मेरे साथ गाड़ी में तो बैठे। नहीं बैठना मुझे, बात चले। मेरा जेवर चोरी कर
रिश्ता तय किया जाए। चलिए आप यहाँ से आइए। अरे छोड़े मुझे, बोलने दे, बोलूंगी मैं, बताऊंगी सबको कि ये लड़का क्या है और इसका किरदार क्या है। आप तो बाल बाल बच गई हैं। ये एक नंबर का लफंगा बदमाश और आवारा लड़का है। कर रहे हो? मेरी मोहब्बत की और बेइज्जती करनी है? नवीन, I'm sorry, मुझे नहीं पता था वो अदीला वहाँ पे सबके सामने। खुदा के लिए खामोश हो जा माहिर। गलती तुम्हारी नहीं, गलती तो मेरी है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी कि तुम कितने मक्कार हो, झूठे हो, धोखेबाज हो, तुम्हारी मोहब्बत के करीब चली आई। बाइंदा मुझे फोन मत करना। इतनी बड़ी सजा ना दो यार, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए किया है और नीयत तो खराब नहीं थी मेरी, और चोर नहीं हूं मैं। वो मेरे बाप की बीवी की भी कंगन नहीं है, मेरी दादी की कंगन है, तुम्हारे लिए लाया था मैं। किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? तुम चोर हो, अब चोरी करो या डाका डालो, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म है माहिर। अब ना मुझे कॉल करने की कोशिश करना, ना ही मुझे मिलने की कोशिश करना। नरमीन देखो मेरी बात, नरमीन Oh.